नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा कि आने वाले 100 सालों तक भी उसको बदलने की जरूरत नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपने हकों को नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा साहब उनके हकों को जानते थे। इसलिए तमाम जाति समुदाय के लिए एक निष्पक्ष संविधान दिया। इस संविधान को पढ़ने के बाद तमाम देश के लोग ये कहते हैं कि अगर संविधान होना चाहिए तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए IIT धनबाद को एक दलित छात्र को एडमिशन देने का बड़ा निर्देश दिया। यह छात्र फीस जमा करने की समय सीमा चूक जाने के कारण अपनी सीट खो बैठा था। तकरीबन 17,500 रुपए यह फीस थी जो एक दलित छात्र को IIT धनबाद को अपनी एडमिशन सुरक्षित करने के लिए देनी थी। उत्तर प्रदेश के छात्र के पास फीस जमा करने के लिए महज 4 दिन थे। छात्र के पिता ने दिहाड़ी मजदूर थे, उन्होंने दिन रात मशक्कत करने के बावजूद भी इतना पैसा नहीं मुहैया करा पाए। समय सीमा चूक गए। छात्र का IIT जाने का सपना उसको ब्रेक लग गया था। उसके बाद छात्र के पिता इस लड़ाई को अदालत में ले गए। 3 महीने तक पिता ने SC/ST आयोग झारखंड और मद्रास उच्च न्यायालय को चक्कर काटे। अंत में जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ DY चंद्रचूड ने IIT को छात्र को प्रवेश देने का बड़ा फरमान डाला। इस आदेश को सुनकर सब सोशल मीडिया पे भौचक्कित रह गए कि DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई गरीब जरूरतमंद बच्चा पढ़ना चाहता है, उन्होंने अपना अथक प्रयास करा है, उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार को IIT धनबाद में प्रवेश दिया जाए और उसे उसी के बैच में रहने दिया जाए, फीस का भुगतान करने का प्रवेश दिया जाए। अपने फैसले का CGI DY चंद्रचूड़ ने कुछ कहा बताने, हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली बच्चों को जाने नहीं दे सकते, उसे मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता है। झारखंड विधित सेवा प्राधिकरण के पास गया है, फिर चेन्नई विधित सेवा प्राधिकरण के पास गया और फिर उसे हाई कोर्ट में भेज दिया गया। वह एक दलित लड़का है जिसे दर बदर भटकना पड़ रहा है। ये बात चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए कही। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए IIT धनबाद को अतुल कुमार को अपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर BTech का पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत के न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, राहत महसूस कर रहे हैं। अतुल ने कहा कि पटरी से उतरी ट्रेन अब पटरी पर आ गई है, मुझे सीट मुहैया करा दी गई है, मैं बेहद खुश हूं। वहीं अदालत ने कहा कि सीट केवल वित्तीय समस्याओं के कारण नहीं छीनी जा सकती। अतुल ने कहा कि उस अदालत के मदद से मिले उम्मीद है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए दलित छात्र के भविष्य को सुधारने का बड़ा फैसला सुनाया है। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के माध्यम से हो पाया है कि उन्होंने शोषित वंचित समाज के लिए ये सारा पहले से ही मुहैया कराया था कि कोई भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। पैसे के लिए कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर को पता था कि उनके समाज के, उनके परिवार के या गरीब समाज के जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं या उनके पास पैसा नहीं होता है तो उसकी वजह से वह वंचित ना रहें। इसलिए तमाम कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज के अंदर एक ऐसा कोटा होता है जिस कोटे के तहत कोई भी गरीब बच्चे को पढ़ाना लाजमी होता है और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको कोई भी डिने नहीं कर सकता है। वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा,
वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।